हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। यू आर विद मिस्टर गौरव चौधरी और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। पिछली क्लास तक हमने पढ़ लिया है क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा, उसका ग्राफ बनता है पैराबोला। उसमें एक्स की मैक्सिमम पावर होती है 2 एंड मिनिमम होती है 0। ठीक बात, इसके आगे आएगा क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन को पढ़ते हैं अभी, देखिए। क्यूबिक फंक्शन में भाई जो एक्स की मैक्सिमम पावर है वो होनी चाहिए 3 एंड मिनिमम फिर से 0 होनी चाहिए, है ना। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो कुछ ax³ bx² + cx + d, कुछ ये बनेगी। ठीक बात है। अब अपने को बेसिकली क्या करना है, अपने को इसका ग्राफ सोचना है। ज्यादा कुछ नहीं सोचना, ग्राफ सोचना है। ठीक है, तो ग्राफ सोचने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। हर एक पॉलिनोमियल के लिए सेम टाइप का ग्राफ बनेगा, है ना। पॉलिनोमियल मींस लीनियर फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल। तो जितने भी ये फंक्शन है जिनमें एक्स की पावर चल रही है उनको हम पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं, है ना। तो इन सब का ग्राफ हम एक ही साथ देखेंगे एक बार, कैसे बनता है ना। तो सबसे पहले देखना, लीनियर फंक्शन जो था वो ये था, जिसके पास एक्स की मैक्सिमम पावर थी 1, ये था भाई। तो जैसे ही एक्स की पावर मैक्सिमम 2 हुई तो ग्राफ अपना क्या बन गया, कुछ ऐसे बन गया, पैराबोला बन गया, है ना। तो देखो इसको सोचना कैसे है, जब पावर 1 थी ना तो इसमें एक भी टर्न नहीं था, बिल्कुल सीधा ग्राफ था। जैसे ही पावर 2 हुई तो एक टर्न आ गया, 1 टर्न ग्राफ में, ठीक है, 1 टर्न आ गया। अब जैसे ही पावर 3 होगी तो इसके अंदर 2 टर्न होंगे, एक तो ये बन गया, दूसरा नीचे आएगा फिर मुड़ेगा, 2 टर्न्स ये और ये, 2 टर्न। ठीक है, एक्स की पावर 4 का ग्राफ बनेगा तो उसमें कितने टर्न बनेंगे, 1 2 3, 3 टर्न बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जनरलाइज कर सकते हैं फंक्शंस को, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को। ठीक है, अपने को बेसिकली वही ग्राफ में स्लोप ही देखना है। ठीक है, हर एक ग्राफ बनाना नहीं है, वो मैथ्स में सीख लोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब जनरल सा सोचना है अपने को। ठीक है, तो जितना मैं बता रहा हूं, ठीक है, और जो मैं सवाल करूं कराऊं सिर्फ वही करने हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, देखो इसके अंदर भाई ये जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा सा बनेगा, है ना। अब इसमें अपने को जो मेन बात ध्यान रखनी है, मेन बात ध्यान रखनी है वो 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले ये पॉइंट जो सबसे आसान पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या जीरो है, एक्स जीरो है। क्या जीरो है, एक्स जीरो। कैसे भाई, मतलब इस एक्सिस से अगर हम लेफ्ट या राइट नहीं जाते कहीं भी तो एक्स की वैल्यू चेंज ही नहीं होती, ऊपर जाएंगे तो सिर्फ वाई की वैल्यू चेंज होगी। ए पॉइंट तो बहुत आसान है, ए पे क्या है, एक्स जीरो हो गया, एक्स जीरो हो गया तो वाई क्या बनेगा, ए भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सिर्फ डी बच गया। सो वी गॉट 1 पॉइंट, वी गॉट 1 पॉइंट। ठीक है, अब बाकी 3 पॉइंट्स और निकालने हैं। तीनों पॉइंट्स में ना मेरे को एक चीज कॉमन लग रही है कि भाई एक्स तो कुछ भी हो, x1 x2 x3, वाई हमेशा जीरो है, सिंपल बात है, क्योंकि हाइट जीरो पे है, वाई हमेशा जीरो है। सो इन पॉइंट्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वाई की वैल्यू को जीरो पुट कर दो। क्या करो, वाई की वैल्यू को जीरो पुट कर दो। ठीक है, इनको एक बार ड्रॉ कर लेना, ठीक है, पॉज करके ड्रॉ कर लो, ये बड़े काम की चीजें हैं। ठीक है, आई थिंक यू हैव डन इट। देखो अभी 3 पॉइंट्स की बात करेंगे तो क्या जीरो पुट करेंगे, वाई जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, इसके लिए y इज ax³ था, bx² था, cx था एंड d था, y जीरो पुट कर दिया, ax³ bx² + cx + d। अब ये अपने पास एक वैल्यू आ गई, मतलब ये क्या बन गई, क्यूबिक इक्वेशन बन गई भाई, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन बन गई। इसके अंदर x की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, अब देखो जब लीनियर फंक्शन था, लीनियर फंक्शन था तो उसमें जैसे भाई 5x + 2 को अगर जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू सिर्फ
माइनस टू बाई फाइव आएगी। अब अगर एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर को जीरो पुट करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, एक्स प्लस फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो इसमें एक्स की दो वैल्यू आ सकती हैं। अब जब पावर तीन हो गई तो एक्स की तीन वैल्यू आ सकती है और वो अपने को ग्राफ से भी दिख रही है, ठीक है। बट अब जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था उसमें दो वैल्यूज आ सकती हैं, बट कभी ऐसा भी होता था एक भी वैल्यू नहीं आती, या ऐसा भी होता था एक ही आए। तो ये मैक्सिमम वैल्यूज है, है ना। तो x1 x2 x3 तीन वैल्यू आई, इसका मतलब ये मैक्सिमम है, तीन से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी बट तीन से कम आ सकती हैं, ठीक बात है, तीन से कम आ सकती हैं। सो अपने को यही चेक करना है कि भाई कितनी वैल्यूज आ सकती हैं इसकी, है ना। तो मतलब इसके कितने रूट्स पॉसिबल हैं, रूट्स कितने पॉसिबल हैं, ठीक है। अपने को ये सिर्फ ग्राफ से चेक करना है, ग्राफ से चेक करना है, ठीक है। तो पहली बात तो इसके तीन रूट तो बन ही सकते हैं अगर अपना ग्राफ ऐसा हो जाए, है ना। तो एक दो तीन, ठीक है। तो यहां कितने दिखे अपने को, तीन रूट्स दिख गए भाई, है ना। अब बस रूट्स की बात करनी है अपने को, तो इसके अंदर थ्री रूट्स। अच्छा, अगर ग्राफ ऐसा हो ये, ठीक है। देखो रूल क्या था, रूल था कि दो टर्न होने चाहिए, दो टर्न हो गए, बट इसने वाई एक्सिस को एक ही जगह काटा भाई, एक ही जगह कट किया, तो हम बोलेंगे कि सिर्फ एक ही रूट आया। ग्राफ से दिख रहा बस अपने को सीधा सीधा, ग्राफ से दिख रहा है। अच्छा, क्या दो रूट भी आ सकते हैं, वो सोचने की बात है, क्या दो रूट भी आ सकते हैं क्या, ठीक है। देखो, बिल्कुल आ सकते हैं, दो रूट भी बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। देखना टू रूट्स के लिए, अगर ऐसे ग्राफ जाके और इस पॉइंट को टच करता हुआ निकल जाए, टच वो एक दो दो ही पॉइंट है, ठीक है। सो एक्स वन कोमा जीरो एंड एक्स टू कोमा जीरो, तो टू रूट्स भी पॉसिबल हैं। तो कोई क्यूबिक इक्वेशन अगर है, ठीक है, तो उसके एक रूट पॉसिबल है, दो भी हैं, तीन भी हैं। जीरो रूट पॉसिबल होंगे क्या, जीरो रूट, एक भी रूट ना हो भाई, तीन टर्न पक्का है ग्राफ में, तो तीन टर्न पक्का है। तो देखो, या तो कोई भी रूट नहीं करना मेरे को, तो ऊपर ऊपर ग्राफ बनाना चाहूंगा मैं, ऊपर ऊपर, तो एक एक टर्न हो गया, दो टर्न कट करेगा पक्का, है ना, बचाने की कोशिश करी पर पक्का कट कर गया। दूसरा और कुछ देखो, क्या करो कि ऊपर से ऐसे चलो, हाँ, बन गया एक भी जगह कट नहीं किया ना, किया है ये तो ऊपर कट नहीं करेगा, बट ये आगे भी तो आएगा, ये कर गया कट कर गया ना। तो क्यूबिक इक्वेशन में जीरो रूट पॉसिबल नहीं है, तो एक रूट तो होगा ही होगा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक बात। सो जीरो रूट इज नॉट पॉसिबल। अब इनका ना एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं उठा के, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सिंगल रूट के लिए, ठीक है, सबसे पहले सिंगल रूट के लिए एग्जाम्पल उठाते हैं, ठीक है। देखना एक बार मैं कैसे एग्जाम्पल कैसे बनाऊंगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बना रहा हूं तो मेरा दिमाग क्या चल रहा है वही अगर सोचोगे तो बहुत सही रहेगा, है ना। मतलब एग्जामिनर के दिमाग पे अटैक करो, सोच क्या रहा है, तो सही आंसर दोगे ना, है ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। सो देखो, अपने को एक ही जगह कट करना है इसको, ठीक है। चलो मैं एग्जाम्पल ही देता हूं सीधा। लेट्स से अपने पास फंक्शन है एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई। अब ये फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है क्या, ये है क्या क्यूबिक फंक्शन? एक्स की पावर कितनी है, मैक्सिमम दो ही है, क्यूबिक तो नहीं है, ये क्यूबिक ही है भाई, क्योंकि अपना जो जनरल फंक्शन होता है वो इस फॉर्म का होता है, उसमें कहीं ऐसे ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती, दो चीजें इस फॉर्म का होता है। तो अपने को पूरा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करो, देखो अंदर इसको करो, एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा, फिर टू से करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस टू एक्स आ जाएगा प्लस टू इक्वल टू वाई, ये फंक्शन आएगा अपने पास, है ना। तो एक्स क्यूब एक है एंड एक्स स्क्वायर तीन है,
एंड एक्स कितने हैं, दो, एंड दो इज इक्वल टू वाई, क्या बन गया, क्यूबिक ही बन गया, है ना, क्यूबिक ही बन गया। तो देखो क्यूबिक फंक्शन बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, इसके अंदर x की पावर 2 है मैक्सिमम, इसके अंदर 1 है ना, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर कितनी बनेगी, इसको इससे करेंगे तो ही मैक्सिमम होगी ना, मतलब लेफ्ट हैंड लेफ्ट वाले का भी मैक्सिमम पावर लो, राइट का भी मैक्सिमम लो, उनको मल्टीप्लाई करो तो मैक्सिमम पावर दिखेगी, है ना, तो करेंगे तो 3 ही आ गई मैक्सिमम पावर। ठीक है, अब इस फंक्शन को एक बार अगर सॉल्व करके देखें, ठीक है, तो देखना क्या बनेगा। इस फंक्शन के लिए भी अपने को मतलब रूट्स ही फाइंड करने चाहिए, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहले अपा नहीं ग्राफ नहीं बनाते, ग्राफ बाद में बनाएंगे, ठीक है, पहले आप क्या करते हैं, वो पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं जहां पे एक्स जीरो, जहां पे एक्स जीरो है, सबसे आसान पॉइंट जो था, ठीक है। सो वाई एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो वाई क्या बनेगा, ए ए है ही नहीं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, क्या बचा, y इज इक्वल टू 2, तो एक पॉइंट आ गया 0,2। बात क्लियर, आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम ये पॉइंट्स निकालने में इंटरेस्टेड हैं, x1 x2 x3 जो थे, ठीक है, तो क्या पुट करो, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, y 0 पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे अपने को, है ना, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, अरे यही तो बनेंगे, इसी से तो आया है ये, है ना, इसी से आया है ना, तो फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आएगा, x प्लस 2 को 0 पुट करो, x आ जाएगा माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को अगर जीरो पुट करेंगे तो ये तो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए या तो फैक्टर अपने को डायरेक्ट दिख जाएंगे, ठीक है, इसमें फैक्टर अपने को दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि देखो सम भी वन होना चाहिए, प्रोडक्ट भी वन होना चाहिए, तो सम वन करने के लिए वन इंटू वन नहीं हो पाएगा, है ना, सम वन प्रोडक्ट वन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो भाई क्या करना चाहिए फिर इसमें अपने को, डी कैलकुलेट करना चाहिए, डी कैलकुलेट, डी क्या बनेगा, डी इज बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी, क्या बन गया माइनस 3। अगर डी नेगेटिव आ जाए तो हम क्या बोलते हैं कि भाई कोई रूट नहीं है, नो रूट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो जब हमने वाई की वैल्यू 0 पुट करी तो एक्स की वैल्यू माइनस 2 वाई, और यहां से x की वैल्यू कुछ भी नहीं आई, है ना, तो मतलब y0 means x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे कट किया सर, सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, है ना। तो इसका अगर हम रफ सा ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, तो देखना एक बार ग्राफ कैसा बनेगा, कि भाई पहले जो अपना सबसे सिंपल पॉइंट था x0 y2 यहां पे है, दूसरा y0 x माइनस 2 यहां पे है ना, ऐसा कुछ है। अब ग्राफ कैसे होना चाहिए, इन दो पॉइंट्स को तो मिला दो, एक टर्न आ गया, एक टर्न आ गया, बट दूसरे टर्न पे कट नहीं करना चाहिए, अभी कट कर गया तो दो वैल्यू आ जाएंगी, वैल्यू एक भी नहीं आनी चाहिए, ऊपर चला गया, सिंपल। सो वी गॉट ग्राफ, ठीक है, दो टर्न है, रूट एक ही है, रूट एक ही है ना, तो एग्जाम्पल आया अपने पास सिंगल रूट वाला, ठीक है। सो जस्ट नोट करो एक बार, तो हमने क्या देखा, सिंगल रूट कैसे आ सकता है, है ना, एक ही जगह जहां पे x एक्सिस को एक ही बार कट करेगा, x को कट करेगा तो y जीरो, है ना, उसी को हम रूट्स भी बोलते हैं। अब इसके आगे दो बार भी कट कर सकता है, दो बार भी कट कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए एग्जांपल देखना भाई, अपने पास ऐसा है x माइनस 1 x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कुछ ऐसा है अपने पास, ठीक है। सो इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी अभी तो अपने को नहीं दिख रही है क्यूबिक है, बट जब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इन दो को, पावर वन पावर टू पावर थ्री आ जाएगी, तो क्यूबिक ही है भाई ये, है ना, और जीरो नहीं करते, मतलब फंक्शन बनाते हैं, है ना, तो ये अपने पास एक क्यूबिक फंक्शन है ना।
अब इसको सोल्व करना है अपने को, इसका ग्राफ बनाना है ना। तो एक पॉइंट के लिए तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो, वाई बड़ा सिंपल है, माइनस वन यहां से आएगा, आगे आगे देखना, जीरो प्लस जीरो माइनस फोर, तो क्या आ गया, फोर आ गया, एक पॉइंट तो आ गया अपने पास, जीरो को मा फोर आ गया, डन। बाकी और पॉइंट्स के लिए क्या चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए भाई, वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करो, वाई जीरो पुट करोगे तो एक्स माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, ये किसके इक्वल था, ये किसके इक्वल था, वाई के, और वाई कितना हो गया, जीरो हो गया, है ना। तो अब क्या क्या चाहिए अपने को, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सो आइदर एक्स माइनस वन इज जीरो और एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू वन आ गया यहां से, है ना। अगला देखो, ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस फोर, सम होना चाहिए थ्री, प्रोडक्ट माइनस फोर सम थ्री, चार तीन, है ना, मतलब तो वन फोर, वन फोर कुछ बनना चाहिए, तो माइनस फोर लिख दो, सॉरी प्लस फोर एंड माइनस वन, है ना। तो देखो प्रोडक्ट करो माइनस फोर, सम करो थ्री है ना। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर एंड एक्स इज इक्वल टू वन, है ना। सो अपने पास अगर वैसे सोचें तो एक पॉइंट ये आया वाई जीरो पे, एक एक्स की वैल्यू ये आई, एक एक्स की वैल्यू ये आई, और एक एक्स की वैल्यू वही आ गई, वही आ गई, सिंपल बात है। तो जब हमने वाई की वैल्यू जीरो पुट की, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अपने पास एक वन आई एक फोर आई, है ना, दो बार बेशक आ गई, आई तो वन ही है ना, दो बार आने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। सो इसका मतलब जो अपने पास पॉइंट आए वो वन कोमा जीरो एंड फोर कोमा जीरो आए हैं, दो पॉइंट वन कोमा जीरो फोर कोमा जीरो, तीसरा पॉइंट वो है ना। और ये जब हम इस इक्वेशन को जीरो पुट करते हैं, सो जो निकल के आते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, है ना। सो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, है ना। सो अब ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ पे जो जो पॉइंट्स है वो प्लॉट कर देते हैं। पहले पहला पॉइंट ये रहा जीरो कोमा फोर यहां पे, अगला ये कहा जाओ वन कोमा जीरो, ये रहा वन कोमा जीरो, अगला फोर कोमा जीरो, वन कोमा जीरो फोर कोमा जीरो, है ना। सो अपने पास अब ग्राफ कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है कि भाई अच्छा एक और काम करो, अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी हो, पॉजिटिव में बहुत बड़ी हो, पॉजिटिव में बहुत बड़ी हो, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा, बहुत बड़ा आएगा, है ना। तो इसके आगे तो वैल्यू ऊपर की तरफ जानी चाहिए, है ना, ऊपर की तरफ जानी चाहिए। तो कैसे कैसे बन सकता है ग्राफ, ठीक है, ऐसे ना, वो तो एक ही टर्न बनेगा, ठीक है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। सो कैसे बन सकता है, ऐसे नहीं, नेगेटिव पुट करते हैं, एक बार नेगेटिव पुट करते हैं वैल्यू, अरे ये सॉरी ये गलती कर दी मैंने, ये क्या गलती कर दी, ये माइनस फोर था, ये माइनस फोर था, हाँ, इसलिए ग्राफ बनाने में बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। तो यहां पे है वो पॉइंट माइनस फोर कोमा जीरो, है ना। और अपने को क्या पता है कि जब हम एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो ग्राफ पॉजिटिव में यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, है ना। सो इस लाइन को ऐसे कट करेगा, कट किया, ये आया, ये आया, फिर यहां से क्या करेगा, ऐसे टर्न गया, सिंपल। मतलब जब x की वैल्यू बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव बनेगा, और x की वैल्यू बहुत बड़ी पॉजिटिव रखोगे तो ऐसे बनेगा, दो टर्न हो गए, दो रूट हो गए, सिंपल है, ठीक बात, ठीक है। सो एक और एग्जांपल बनाता हूं बस, ठीक है, तीन तीन रूट्स वाला, फिर आगे काम करेंगे, ठीक है। सो जस्ट नोट इट एंड आगे काम करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है अपना भी तीन रूट वाला एग्जाम्पल उठाएंगे, तीन रूट वाला, थ्री रूट्स, वाई इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें देखो मैं डायरेक्ट ही बताता हूं, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू
एंड एक्स प्लस थ्री, ये फंक्शन ले लो, ठीक है, ये फंक्शन ले लिया, इसमें कितनी पावर दिख रही है मैक्सिमम? अभी तो वह नहीं दिख रही है, अभी तो वह नहीं दिख रही है, बट वो उस फॉर्म में है नहीं। उस फॉर्म में बनाएंगे तो इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसमें एक्स स्क्वायर होगा, बाकी समथिंग समथिंग होगा, पीछे एक्स प्लस थ्री होगा। अब जब इसको इससे करोगे, करना पड़ेगा ना, हरेक को हरेक से करना पड़ता है, इसको इससे करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। सिंपल बात, तो ये कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन अगर इसको सॉल्व करें, है ना। सो अब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अगर हम इन तीन पॉइंट्स की बात करें, है ना, तो तीन पॉइंट्स की बात करें तो तीनों पे y क्या है? जीरो है, y जीरो है, तो x माइनस वन, ठीक है, x प्लस टू एंड x प्लस थ्री, ये y है, इसको क्या पुट करना है? जीरो। तो तीन फैक्टर हैं, तो तीन ही वैल्यू आएंगी। इसको जीरो पुट करोगे तो x इज इक्वल टू वन, इसको पुट करोगे x इज इक्वल टू माइनस टू, इसको करोगे x इज इक्वल टू माइनस थ्री। सिंपल है, ठीक है। सो अपने पास इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बन जाएगा, वो कैसा बन जाएगा, इसको देख लेते हैं। टर्न तीन ही होने चाहिए और इस बार तो तीन बार ही काट रहा है, है ना, तो तीन बार ही काट रहा है। तो एक तो माइनस थ्री पे कट कर रहा है, माइनस टू पे कर रहा है एंड वन पे कर रहा है, ठीक बात। अच्छा एक बात अभी देखो, एक्स की वैल्यू अगर बहुत बड़ी होगी, एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा। x की वैल्यू बहुत बड़ी होगी ना, तो 1 से तो बड़ी ही रखेंगे ना, बहुत बड़ी रखी। तो x की वैल्यू जब बहुत बड़ी है तो y क्या है? पॉजिटिव है ना? तो ग्राफ ऐसे जाना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। बाकी बना दो, बाकी ऐसे एक टर्न आया, ये टर्न आया, ये टर्न आया, सिंपल है ना। अच्छा अब मैं बोलूं कि ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पर क्या जीरो है? एक्स जीरो है, x इज इक्वल टू जीरो है। सो y क्या बनेगा? जीरो पुट करो, जीरो पुट किया माइनस वन, अगले में जीरो पुट किया टू, अगले में पुट किया थ्री, क्या आ गया? माइनस सिक्स। सो नेगेटिव ही है ना, सो ये पॉइंट क्या है? जीरो कोमा माइनस सिक्स है, ठीक बात। सो क्या हुआ? दो बार टर्न हुआ, दो बार टर्न हुआ, एक रूट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जीरो रूट पॉसिबल नहीं है। क्या जीरो रूट पॉसिबल है? जीरो रूट पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, है ना। सो ठीक है, बस इसको नोट करो। इस पे मैं थोड़ा सा भी स्लोप के बारे में बात करूंगा, है ना, स्लोप के बारे में बात करेंगे, मेन अपना स्लोप है, ठीक है। सो स्लोप ऑफ अ ग्राफ कैसे मेजर करते हैं? आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे, टेंजेंट ड्रॉ करके टेंजेंट का स्लोप ही बताते हैं, टेंजेंट का स्लोप ही बताते हैं, ठीक है। सो देखना भाई, देखना देखना ध्यान से। स्लोप बनाने के लिए क्या किया था हमने? गड्डी लेके आए थे, साड़ी गड्डी हैगी है जिसके पास एक हेडलाइट है, ठीक है, जिसकी हेडलाइट ऐसे चल रही है ना। तो हेडलाइट अगर ऊपर की तरफ है तो स्लोप पॉजिटिव, यहां है तो स्लोप जीरो, यहां है तो स्लोप नेगेटिव, है ना। और हेडलाइट की मोमेंट अगर ऊपर से नीचे जा रही है तो स्लोप घटता जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रही है तो स्लोप बढ़ता जा रहा है, ठीक बात है। सो देखो अपने को ना मेन इन दो पॉइंट्स के बारे में बात करनी है, इन दो पॉइंट्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। सो ये पॉइंट जो है इसको ना हम, इसका नाम बोल देते हैं मैक्सिमा, मतलब आसपास वालों से ये ऊपर है, मतलब हिल है ना, चोटी है ना, मैक्सिमा या क्रेस्ट, ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ दो चीजें होती है ना, ये चोटी है, दूसरा ये वाला, ये आसपास वाले पॉइंट से नीचे है तो इसको हम मिनिमा भी बोल देते हैं। ये भी आएगा आगे, है ना, डिफरेंशिएशन एक चैप्टर आएगा उसमें मैक्सिमा मिनिमा पे ही सवाल होंगे। एक मिनिमा है, इसको हम बोल देते हैं ट्रफ, है ना भाई। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं, है ना। तो जब यहां गाड़ी खड़ी होगी, पहले खड़ी गाड़ी देखेंगे, खड़ी गाड़ी अपने को हेडलाइट की पोजीशन दिखाएगी, उससे हम क्या बताएंगे कि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। बट जब गाड़ी को चलाएंगे तो हेडलाइट की मोशन होगी ऐसे ऐसे, तो हम बताएंगे कि स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक बात ना, सही बात। देखना तो जब यहां पे गाड़ी खड़ी है तो हेडलाइट ऐसे है, ऐसे है तो स्लोप कितना है इसका? स्लोप कितना है? अरे जीरो है।
सिमिलरली यहाँ खड़ी करो गाड़ी को, यहाँ खड़ी करोगे तो भी हेडलाइट ऐसे है, हेडलाइट ऐसे है तो स्लोप क्या है? जीरो है। सो ग्राफ में मैक्सिमा हो या मिनिमा हो स्लोप क्या आएगा? जीरो आएगा। स्लोप जीरो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो स्लोप जीरो रहेगा ना। अच्छा अब दूसरा मोमेंट्स देखनी है अभी, अभी क्या देखनी है? मोमेंट्स, मोमेंट्स देखते हैं ठीक है। तो भाई जब गाड़ी यहां पे है मतलब इसको क्रॉस कर रही है, इसको क्रॉस कर रही है, तो तीन फोटो बना देंगे गाड़ी के, एक पहले बना दिया, एक इस पॉइंट पे बना दिया, एक जस्ट पास करते ही बना दिया, हेडलाइट ऐसे होगी है ना। तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमा वाले पे, मैक्सिमा वाले पे तो अपनी हेडलाइट का मोशन जज करना अपने को, डी पे रख के, डी पे रख के। सो पहले हेडलाइट कहाँ थी? ऐसे थी, ऊपर की तरफ थी, इस पॉइंट पे आते ही ऐसे होगी, इस पॉइंट पे आते ही नीचे होगी है ना। सो मोमेंट कैसे हुई? ऐसे हुई, ऐसे हुई तो स्लोप घटाया बढ़ा। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड अलग से सोचना था। मैग्नीट्यूड में तो क्या था? यहां पे जीरो, दोनों ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बट डायरेक्शन के साथ सोचना है अपने को है ना, डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो यहां पॉजिटिव, यहां जीरो, यहां नेगेटिव, घटता ही जा रहा है ना। तो क्या हो रहा है यहां पे? स्लोप जो है वो घटता जा रहा है भाई, घटता जा रहा है। जब इसको क्रॉस किया तो स्लोप घटा है, ठीक बात है ठीक है। दूसरा मिनिमा वाला देखते हैं, मिनिमा पे क्या हुआ है? मिनिमा पे क्या हुआ है? पहले लाइट ऐसे थी, फिर सीधी हुई, फिर ऊपर की तरफ उठ गई, ऐसे होगी है ना। तो लाइट का मोशन ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। सो मिनिमा के लिए क्या दिखेगा अपने को? डी रखो, डी रखी, डी रख दी। पहले स्लोप नेगेटिव था, ऐसे थी हेडलाइट, फिर सीधी हुई इस पॉइंट पे, और फिर इसके जस्ट बाद ऊपर होगी, और मोमेंट कैसे है? ऐसे। देखो ये एरो बनाना बहुत जरूरी है, मतलब मैं ऐसे नहीं पता लग रहा ना कि स्टार्ट एंड क्या है, तो एरो से ही पता लग रहा है वो, है ना। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में क्या हुआ भाई? स्लोप जो है वो बढ़ रहा है, सिंपल है। तो ये अपनी सबसे काम की बात आई है। सो ग्राफ में मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, तो कोई भी हो स्लोप जीरो ही होगा, मतलब चोटी हो या खाई हो, चोटी पे भी सीधी गाड़ी खड़ी होगी और खाई में भी सीधी गाड़ी खड़ी होगी है ना। बट चोटी पर जब गाड़ी जा रही होगी तो पहले ऐसे थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो स्लोप घट रहा है। और बॉटम पे ऐसे थी, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे 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 बढ़ रहा है, सिंपल बात है ना। उल्टा हो रहा है, कुछ उल्टा हो रहा है, मतलब जब मैक्सिमा है तो स्लोप घट रहा है, मिनिमा है तो स्लोप बढ़ रहा है, बस उल्टा है। इसको ऐसे ही याद रखना है, ठीक बात है ठीक है। सो जस्ट इसको नोट करो, आगे चलते हैं। सो गाइस, आज हमने जो पढ़ा या कल पढ़ा उसके बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं ठीक है। 1, 2, 3, 4। अच्छा, इनके ज्यादातर आंसर सिंगल डिजिट नंबर में है ना। जैसे इज देयर मैक्सिमा और मिनिमा इन दिस फंक्शन, ठीक है, क्या इस फंक्शन में मैक्सिमा है या मिनिमा, ठीक है, अपने को ये बताना है ठीक है। इज देयर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? या तो मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है, तो वन वर्ड आंसर है ठीक है। इसमें भी यही बताना है, मैक्सिमा होगा इसमें या मिनिमा होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स, ठीक है, हाउ एट हाउ मैनी पॉइंट्स द ग्राफ कैन कट एक्स एक्सिस, मैक्सिमम पॉसिबल मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे कट कर सकता है ना, तो रूट्स वाली बात है ठीक है। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4, 5, इसका आंसर भी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा ही होगा। अगला सवाल देखो, हाउ मैनी मैक्सिमा प्लस मिनिमा आर पॉसिबल, मतलब कितने मैक्सिमा और मिनिमा, मान लो एक मैक्सिमा एक मिनिमा तो दो हो गई है ना, तो इनका नंबर भी, इनका आंसर भी क्या है? नंबर में ही होगा। अगला देख लो ठीक है, इनका आंसर भी नंबर में ही होगा है ना। इक्वेशन हैविंग मैक्सिमम पावर एन, ओ सॉरी, हाउ मेनी टर्न्स आर पॉसिबल, तो कितने टर्न्स पॉसिबल है ना, तो सबके आंसर क्या है? वन वर्ड है ठीक है। सो ट्राई, अभी इनको सोल्व करना है ठीक है, और सीधा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ठीक है। सो एक बार इनको नोट कर लो एंड स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आज के लिए जय श्री राम, बाय बाय, फिर मिलते हैं ठीक है, थैंक्स।